शुक्रवार को लोकसभा में संसद सदस्य का शपथ लेने के बाद गोरखपुर पहुंचे नव निर्वाचित सांसद प्रवीण निषाद का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सांसद प्रवीण निषाद का कार्यकर्ताओं ने जगह जगह स्वागत किया। इस दौरान प्रवीण निषाद ने महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया और गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर बाबा गोरक्षनाथ के दर्शन किए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नव निर्वाचित सांसद प्रवीण निषाद ने कहा, धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने बेटे को जो आशीर्वाद से उस सदन में भेजने का काम किया, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज गोरखपुर की जनता बहुत उत्साह दिख रहा है और आज मैं इस अम्बेडकर चल कर संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को माल्यार्पण कर मैं ये बताना चाहता हूं कि संविधान में जो प्रदत्त अधिकार हैं हम लोगों के, उन सबको दिलाने का प्रयास किया जाएगा। हाँ, गोरखनाथ मंदिर पर आएंगे, बाबा मच्छिंद्रनाथ जी का आशीर्वाद, बाबा गोरखनाथ जी का आशीर्वाद लेने गोरखनाथ नेतृत्व जो निर्णय लेगा आगे हम लोग काम करेंगे। काफ़ी जिम्मेदारियाँ माननीय जमुना निषाद जी ने जो सपना देखा था समाज के लिए वो आज पूरा हो गया है और आगे भी पूरा होता रहेगा। अभी हम लोग शाम को माननीय मंत्री जी के समाधि स्थल पर हम लोग जाकर वहाँ पर माल्यार्पण और श्रद्धा सुमन।